हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो दिया था अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट, पहले हमने ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट किया, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था रोडवे। तो रोडवे हमें, हमने रोड और रेलवे को पढ़ा। तो ये दो रास्ते हैं जो लैंड पे चलते हैं। तो आज हम वाटर वे और एयर वे को डिस्कस करना है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स। वाटर ट्रांसपोर्ट वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि बहुत चीपेस्ट है, बहुत सस्ता है, और ये ज़्यादा सूटेबल है हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पैसेंजर्स शिप कैरी पीपल। अब देखो, अब कुछ अलग अलग टाइप से वाटरवे में, जैसे जो पैसेंजर शिप से जिसमें कैरी कर मतलब उठाते ही लोगों को उठाते हैं, उसे हम पैसेंजर शिप कहा जाते हैं। और कार्गो शिप एक अनदर टाइप ऑफ शिप से जिसमें हम ट्रांसपोर्ट, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं, गुड्स, यानी कि जो सामान वगैरह होता है उस चीज़ का। टैंकर शिप्स कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल। एक टैंकर शिप भी होता है जिसमें क्या कैरी करते हैं, पेट्रोलियम और ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद अलॉन्ग इंडिया कोस्ट लेन देयर आर 13 मेजर एंड नियरली 200 मेनर पोर्ट्स। तो हिंदुस्तान की जो कोस्टल लेन है वहाँ पे 13 मेजर और नियरली 200 मेनर पोर्ट्स बंदरगाहें हैं। सो हमारे पास जो बड़े बड़े मतलब बंदरगाहें हैं वो कितना है, 13 है, और जो छोटे मेनर पोर्ट्स हैं, जो छोटे बंदरगाहें हैं, वो हमारे पास कितना है, 200 से। द पोर्ट्स आर खांडला गुजरात एंड पारादीप ओडिशा आर बिगेस्ट अमंग द मेजर पोर्ट। तो ये दो पोर्ट है, एक गुजरात में खांडला और एक पारादीप ओडिशा में, ये दो पोर्ट है जो मेजर पोर्ट्स में से, 13 पोर्ट में से ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये हुआ वाटर वे के बारे में। अब एयर वे क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। एयरप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो एयरप्लेन है वो क्या है, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दुनिया में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है उन सब में से सबसे फास्टेस्ट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, एयरप्लेन है। मेजर सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाई एयरवे। तो हमारे जो मेजर सिटी है, बड़े बड़े शहर है, टाउन्स हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो वो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट होती है किसकी, बाय एयरवे। तो एयरवे उनको कनेक्ट करती है। एयरप्लेन्स ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स, स्पेशली पेरिशेबल गुड्स सच एज फ्रेश फ्रूट, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल टू फार ऑफ प्लेस। अब हम जो एयरप्लेन ट्रांसपोर्ट है पीपल एंड गुड्स, तो इनको लोगों को और सामान को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो खासकर जो पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल वो होता है जो एकदम स्पॉइल होता है, ख़राब होता है, उस टाइप ऑफ सामान को हम क्या कहते हैं, पेरिशेबल। तो पेरिशेबल में क्या क्या आता है, फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, फ्रेश फ्रूट्स जो फ्रूट्स वगैरह वो एकदम स्पॉइल होता है, तो वो एयरप्लेन एयरवे में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फ्लावर्स भी क्या होता है, एकदम स्पॉइल हो जाता है, एंड वेजिटेबल। तो ये सारा पेरिशेबल गुड्स हैं। तो ये अगर मतलब दूर, अगर जो जगह बहुत दूर है वहाँ पे एयरप्लेन के थ्रू इनको पहुँचाता है। सम एयरप्लेन आर आल्सो कैरी मेल। तो कुछ एयरप्लेन ऐसा है जिनमें मेल को कैरी किया जाती है। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेट इन आवर कंट्री। तो इन्हें ऑपरेट कौन करते हैं, गवर्नमेंट भी करते हैं एज वेल एज प्राइवेट एयरलाइन भी चलाते हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर आर यूज्ड इन एरिया दैट आर डिफ़िकल्ट टू रीच। तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल उन एरिया में किया जाते ही जहाँ पे हमें पहुँचना बहुत मुश्किल होते हैं। दे आर यूज्ड
टू ड्रॉप फूड एंड मेडिसिन। तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे हमें पहुँचना मुश्किल होता है उन जगहों पे फूड्स को ड्रॉप किया जाते और मेडिसिन को ड्रॉप किया जाते एंड रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर। जब नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, कहर आ जाती है, उस टाइम लोगों को उस डिज़ास्टर से रेस्क्यू किया जाता है। तो दिस ऑल अबाउट वाटर वे एंड एयर वे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।